गुरुग्राम के सेक्टर 10A के कृष्ण मंदिर परिसर में मनाई गई महाराजा अग्रसेन की 20वीं जयंती एवं दीपावली मिलन समारोह वैश्य परिवार वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से समारोह गुरुग्राम के सेक्टर 10A के श्री कृष्ण मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। इस समारोह में कलाकारों और समाज के बच्चों युवाओं द्वारा कला एवं संस्कृतियों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बेहतरीन प्रस्तुति दी गई। समारोह में व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन राम निवास गर्ग मुख्य अतिथि, वहीं विशिष्ट अतिथि मार्केट कमेटी गुरुग्राम के पूर्व उपाध्यक्ष रोशन लाल गर्ग जी उपस्थित हुए। इस अवसर पर संस्था के महासचिव मनीष सिंगल एवं TC अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुदर्शन अग्रवाल, डॉक्टर MS गर्ग के अलावा गगन गोयल, अजय अग्रवाल, शैलेंद्र गोयल, गौरी शंकर बंसल, संदीप गुप्ता, PC जैन, वीना अग्रवाल, अजय गोयल, संजय अग्रवाल समेत काफ़ी संख्या में लोगों ने शिरकत करके महाराजा अग्रसेन जी को नमन किया। Thank you.
एक मोमेंट को समान ले मैं रहा हूँ दर्द जी को ऐसा सीधा भी बढ़ाना चाहता हूँ आप जी को डांट क्या होगी डांट पर सर आज अगर चाहे जयंती है क्या कहना है सबसे पहले तो समस्त प्रदेशवासियों को मार जाकर चैन जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हार्दिक शुभकामनाएं आज भाई नवीन गोयल जी ने मुझे मार जाकर चैन जयंती पर भव्य कार्यक्रम जो आप सभी देख रहे हैं इन्हें मुझे आने का मौका दिया मैं सबसे पहले तो भाई नवीन जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ और पूरे गुरुग्राम के पूरे समाज को बधाई देता हूँ कि आपने इतना भव्य कार्यक्रम जो है मां जाकर जयंती समारोह जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे बच्चे हमारी महिलाएं माताएं हमारे भाई सभी जो है कितने खुश हैं पूरे परिवार की तरह बैठ करके सभी एक छत के नीचे मां जाकर जयंती को जो है मना रहे हैं। सर इस कोरोना काल को देखते हुए कि ये जनसभा बुलाई गई है तो क्या आपको लगता है कि कोई तीसरी लहर आने की उम्मीद है क्या तीसरी लहर की उम्मीद है तीसरी लहर आने की उम्मीद है क्या जब फर्स्ट लहर आई थी तब भी किसी को नहीं पता था कि कोविड की ऐसी भयंकर जो है वो ऐसी बीमारी आएगी उसके बाद दूसरी लहर आई और अभी प्रदेश में ना के बराबर केस हैं और सभी व्यापार सभी दुकानें सभी काम सभी फैक्ट्री इंडस्ट्री स्कूल कॉलेज सब खुल चुके हैं और यहाँ पर आप देखा होंगे जैसे हम अंदर आए हैं बकायदा सैनिटाइज जो है वो हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है मास्क दिए जा रहे हैं उसके बावजूद भी जो है कोविड की किसी लहर का कोई दूर दूर तक भी कोई अंदेशा नहीं है लेकिन फिर भी बीमारी होती है यहाँ पर पूरा उसके नियमों का पालन किया जा रहा है और हम जो है भगवान जी से माता प्रसाद जी के चरणों में एक प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी को जो है आज इस जयंती के बाद जो है ये दोबारा नहीं आए जी नवीन साहब इस पावन पर्व पे क्या कहना चाहिए सभी प्रदेशवासियों को महाराजा का सिंह जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं आज मैं महापुरुष को जो अग्रवाल समाज के प्रनेता भी हैं और मैं कहता हूँ कि समाजवाद का जो उदाहरण दिया जो गुड गवर्नेंस का उदाहरण दिया महाराजा का सिंह जी अहिंसा के पुजारी थे और सभी धर्मों को सभी जातियों को साथ लेकर के चलते थे उनका एकमात्र लक्ष्य था कि मेरे समाज में मेरे पूरे इलाके में कोई भी आदमी भूखा न रह जाए कोई भी आदमी बिना शिक्षा के ना रह जाए तो आज उनके रास्ते पर दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए आज हमारा जो अग्रवाल समाज है वो सभी धार्मिक कार्यों में पूरा प्रदेश ना केवल पूरे भारत में पूरे विश्व में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है और आज हम ऐसे महापुरुष की जयंती मनाने के लिए आए हैं और हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलते रहेंगे और ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ मंगल कामनाएं देता हूँ कि सभी आगे बढ़े और सभी समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए हमारे अग्रवाल समाज के लोग काम कर रहे हैं और इस तरीके में जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं कि वो सामाजिक हो धार्मिक हो राजनीतिक हो वो सारी पूरी करते रहें और सबको साथ लेकर के चलें ऐसी मैं कामना हूँ धन्यवाद।